मेरे सामने ये दमकल की गाड़ी आ चुकी है और ये अब आग बुझाने की कोशिश करेगी, आग बुझाने का यह प्रयास करेगी। तो आप देख सकते हैं कि क्या माहौल है। वहां पर भी कुछ अधिकारी देखिए आ रहे हैं, यहां पर सुरक्षा के बीच में वो कुछ कमांडो की तरह दिख रहे हैं, वो सुरक्षात्मक काली जैकेट पहने। ये देखिए ये एक्शन, ये देखिए किस तरह का त्वरित एक्शन है। ये है फायर सर्विस के पुलिस जवान जो तुरंत अपने काम में लग गए हैं। आप देखिए ये तुरंत देखिए ये पहले पाइप को यहाँ पर लगाते हैं। ये देख रहे हैं एक बड़ा सा प्लग करके, इनकी मैं सहायता भी कर देता हूँ यहाँ कस के। आप देख सकते हैं मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि यहाँ पर दिखाए और मैं ये सहयोग भी कर रहा हूँ। मैंने इस पाइप को भी पूरी तरह से कस दिया है ताकि यहाँ पर पाइप लीक ना हो और बढ़िया जो पानी है वो सही जगह पर पहुँच जाए। तो यहाँ पर पानी है और पर देखिए पाइप पहुंच गई है। अब बस कुछ ही मिनटों में इसको बुझाने का प्रयास किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि क्या यहां माहौल है, किस तरह के देखिए यहां पर ये कमांडोज भी आ रहे हैं, इनके हाथों में डंडा है। ये देखिए जो अधिकारी हैं और ये देखो पानी का ये काम शुरू हो चुका है। अब देखिए काम शुरू हो गया है। आप देखिए ये देखिए बुझाने का काम शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं कि ये देखो पानी यहाँ पे खोल दिया गया है। देखिए पानी खोल दिया गया है, बस तुरंत और ये तस्वीर यहाँ पे देखिए दिखा रहे कि किस तरीके से ज्वाला अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और पूरे इलाके का मुआयना किया जा रहा है। देखिए कैसे पुलिस के जो जवान है, पुलिस के जो अधिकारी है वो यहाँ पे हाथों में गन लेकर के यहाँ पे अमिताभ यश को देखिए किस तरीके से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और जो तमाम अधिकारी है चाहे वो गृह सचिव हो आप वो भी पहुंचे हुए हैं। एसटीएफ चीफ अमिताभ यश को देख पा रहे हैं कि किस तरीके से वो मौके पर पहुंच गए हैं और पूरे हालात को कंट्रोल करने का यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है। हालांकि इस बीच बता दें आपको कि जो 30 उपद्रवी उनको हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन एसटीएफ चीफ अमिताभ यश ने खुद मोर्चा संभाल लिया है, ग्राउंड जीरो पर पहुंच गए हैं और इसके अलावा एडीजी लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पर जो है वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, होम सेक्रेटरी संजीव गुप्ता भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। तो जिस तरीके से घटनास्थल को लेकर तस्वीर पहुंची मुख्यमंत्री के पास, मुख्यमंत्री के निर्देश पर अब होम सेक्रेटरी संजीव गुप्ता और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पे अमिताभ यश मौके पर पहुंचे हुए हैं, मोर्चा संभाल लिया है और प्रयास किया जा रहा है कि किस तरीके से जो माहौल है उसको शांत करवाया जाए। हालांकि इस बीच बड़ी बात है कि बहराइच में 5 पीएसी कंपनियों को भी भेजा गया है, इसके अलावा 30 उपद्रवी जो है उनको हिरासत में ले लिया गया। लेकिन अमिताभ यश जो कि जाने जाते हैं अपने तेवर के लिए, अपने काम करने के तरीके के लिए, वो भी अब ग्राउंड जीरो पे पहुंच गए हैं और उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है। उनकी ओर से देखे चौराहे पर जिस तरीके से यहां पर पहुंचे हुए सीधे रुक करते हैं आप सहयोगी राघवेंद्र का। राघवेंद्र सुबह से लाइव रिपोर्ट पहुंचा रहे हम तक, जिस तरीके से मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अब जो आला अधिकारी है वो मौके पर पहुंचे हुए, क्या देखकर लग रहा है हालात कब तक काबू में? बिल्कुल अनाम, क्या मुख्यमंत्री ने जिस तरह से निर्देश दिया है पुलिस प्रशासन को और उसका असर भी दिख रहा है। लगभग 10 से 15 जिलों की पूरी फोर्स यहां पर बहराइच में आ चुकी है, खुद लखनऊ से यहां पर वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे हैं। अभी अभी तुरंत हमारे सामने ही अमिताभ यश आए हैं जो एडीजी कानून व्यवस्था भी है और एसटीएफ चीफ भी है। तो ऐसे कहा जा कि किस तरह से इस पूरे मामले को गंभीरता से उत्तर प्रदेश की सरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया है और कहा है कि जो भी उपद्रवी हैं जिनकी इसमें भूमिका निकलकर सामने आएगी उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि दूसरे तरफ शव का अंतिम संस्कार करने का प्रोसेस भी शुरू हो गया है, विधायक वहां पर मौजूद हैं, वहां पर हजारों की संख्या में वहां पर लोग हैं, लेकिन हम लोग इस समय भगवान ये जो अपना महाराजगंज जो बाजार है उसके आसपास हैं, क्योंकि यहां पर कबाड़ी के पुरवन में लगभग एक दर्जन मकान और दुकानों में आगजनी की खबर देखी जा रही है। मौके पर वहां पर हूं और महाराजगंज बाजार में ही सुबह से आगजनी की बात हुई है, क्योंकि जिस तरह से राम गोपाल मिश्रा के शरीर में 12 से 13 गोलियां मारी गई जब ये खबर गई तो आग की तरह ये खबर फैली कि आखिर दुर्गा विसर्जन उत्सव का माहौल क्यों में बदल गया, क्यों खूनी रंजिश में बदल गया। लोग 25 से 30 गांवों के लोग यहां पर अचानक पहुंच आए अंतिम संस्कार के लिए, चूंकि सब पोस्टमार्टम के बाद सीधा घर पे आ गया था यहां पर, तो वहां पर लोग पहुंच गए। ऐसे में पुलिस के लिए काफी चुनौती बढ़ गई थी, ये जो आक्रोशित जनता आ रही है हाथों में लाठी डंडा लेकर, इसको कैसे संभाला जाए, कैसे रोका जाए। पुलिस ने बहुत रोकने की कोशिश की लेकिन संख्या बल ज्यादा थी, ऐसे में वो लोग बैरिकेडिंग तोड़ करके महाराजगंज बाजार में आते हैं, यहां पर उपद्रव करते हैं, आगजनी करते हैं गुस्से में। और कहा जाता है यह भी मांग कर रहे थे कि जो जिन लोगों ने गोली मारी है उनका इनकाउंटर हो, उनको पकड़ा जाए, उनको सामने लाया जाए, तो इस तरह की मांगे भी कर रहे थे। हालांकि पुलिस यहां पर तैनात है, आला अधिकारी यहां पर पहुंचे हैं, डीएम हो, एसपी हो, कमिश्नर हो या एडीजी कानून व्यवस्था हो, सभी लोग मौके पर मौजूद हैं। अनामिका,
और शायद यही वजह राघवेंद्र की अब लग रहा है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने सख्ती दिखाई है अब ज्वालाधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, लिहाजा एक तरफ जो युवक है रामगोपाल उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा, तो वही दूसरी ओर जिस तरीके से अभी भी उपद्रवी जो है उनको कंट्रोल किया जाएगा। कम से कम सवाल यहां पर यह खड़ा होता है राघवेंद्र कि आखिर बहराइच को आग के हवाले किसने किया, आग किसने लगाई, एक मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम जो कि एक धार्मिक कार्यक्रम है उसके बाद आखिर यह हंगामा कैसे बरपा, कैसे मामूली सा विवाद इतने बड़े विकराल रूप में चला गया जहां पे गाड़ियों को शोरूम को घरों को आग के हवाले कर दिया गया, वो बहराइच जहां पे हमने कभी इस तरह की घटना सुनी नहीं है देखी नहीं है लेकिन अचानक वहां पे दुर्गा जो विसर्जन है उसके नाम पे इतना हंगामा बरपाया जाता है। राघवेंद्र यहां पर कहा जा रहा दरअसल कि जो 30 उपद्रवी हैं उनको हिरासत में ले लिया गया है, कुछ लोगों पे FIR भी दर्ज की गई है, क्या जानकारी आगे? बिल्कुल बिल्कुल अनामिका आपका सवाल जायज है, लगभग 10 लोगों पे FIR हुई है, 4 लोग उसमें अज्ञात हैं, 14 लोगों 16 लोगों की शायद संख्या है और साथ ही यहां पर ADG कानून व्यवस्था मुआयना भी कर रहे हैं। हालांकि वो दुर्गा विसर्जन की यात्रा निकल रही थी, शोभा यात्रा निकल रही थी तो पहले वहां पर जो DJ बज रहा था, आप जानते हैं कि भारत परंपराओं वाला देश है, ये सनातन का देश है, यहां सभी धर्मों की आजादी है, सभी धर्मों के लोग अपना उत्सव मनाते हैं, ऐसे में हिंदू की ये जो दुर्गा विसर्जन का कार्यक्रम है बहुत प्राचीन है, लोग नदियों में जाते हैं दुर्गा विसर्जन करते हैं 9 दिन के व्रत के बाद, तो वही यात्रा निकल रही थी धूमधाम नाचते गाते DJ के साथ, कुछ लोग वहां पर DJ बंद कराने की कोशिश करते हैं तो लोग गुस्से में हो जाते हैं, साथ ही उस शोभा यात्रा पर कुछ पथराव होता है तो लोग और आक्रोशित हो जाते हैं, पुलिस से शिकायत करते हैं तो पुलिस शायद वहां सख्त नहीं होती है, लिहाजा वहां जो उपद्रवी है यानी कि जो शोभा यात्रा में कुछ ऐसे लोग थे जो वहां पर झंडा हटाने और लगाने का काम करने लगे, ऐसे में जो एक समुदाय के लोग हैं वो उस व्यक्ति को खींच ले गए यानी कि ये रामगोपाल मिश्रा को खींच के 4 लोग मिलकर ताबड़तोड़ गोलियां चलाए। राघवेंद्र सवाल आपसे ये कि चूंकि अब अमिताभ यश मौके पर पहुंच गए हैं, खुद वो गश्त कर रहे हैं, हाथों में गन लेके वहां पे घूमते दिखाई दे रहे हैं, इनके डराने का प्रयास कर रहे हैं उपद्रवियों को, वो तो कब तक मान ले कि बहराइच में हालात सामान्य हो सकेंगे? आज देखिए हालात सामान्य जब अंतिम संस्कार हो जाएगा, सुनने में अभी मैंने फोन किया था तो जानकारी ग्राउंड जीरो से मिली कि आधे घंटे में शायद अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, अगर अंतिम संस्कार हो गया अच्छे से वहां पर और कोई तनाव की स्थिति वहां मौके पर नहीं है तो पुलिस जो है इतनी ज्यादा यहां पर आ चुकी है कि वो फील्ड को कंट्रोल कर लेगी, स्थिति को शाम तक सामान्य कर लेगी, लेकिन अंतिम संस्कार बहुत जरूरी क्योंकि पुलिस दो खेमे में बटी है, एक तरफ अंतिम संस्कार में पुलिस लगी हुई है, दूसरी तरफ इन जो आक्रोशित भीड़ है इसको कंट्रोल करने में लगी हुई है, लेकिन जब अंतिम संस्कार हो जाएगा तो पुलिस एक ही तरफ आ जाएगी, ऐसे में वो भीड़ को पूरी तरह से काबू में कर लेगी। ठीक है, आप इस बड़ी खबर